हाथी और दर्जी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दर्जी अपनी दुकान में बैठा कपड़े सी रहा था कि अचानक से वहाँ एक हाथी का बच्चा आ गया और अचानक वहाँ बोलने नाचने लगा। दर्जी ने उसे एक रोटी का टुकड़ा अदा किया। वह हाथी हमेशा दर्जी के दुकान में आता था। एक दिन हाथी आया, लेकिन दर्जी ने उसे रोटी के टुकड़े की बजाय उसे सुई चुबो दी। हाथी भाग गया। अगले दिन फिर हाथी आ गया, लेकिन उसकी सूंट कीचड़ से भरी हुई थी और उसने अपने सूंट से कीचड़ दर्जी के कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े ख़राब हो गए। दर्जी सर पकड़कर रोने लग गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अपने अल्फाज और अपने अखलाक सही रखें तो हमें उसी का फल मिलता है। तो चलिए, ऐसी अच्छी कहानियों के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।